हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे चिकन तंदूरी। इसमें जो मसाले जाएंगे वो हमने ये लिए हैं। ये गरम मसाला ले लिया है हमने, कुछ ये जीरा लिया है हमने आधा चम्मच भर के, आधा चम्मच हमने काली मिर्च लिए हैं, 6-7 हमने लौंगे लिए हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है, ये बड़ी इलायची लिया है हमने, इसके दाने निकाल के इसको भी पीस लेंगे हम। और ये हमने लिए राई, हमारे पास पीली वाली राई नहीं थी तो हमने ये ली है, तो इसको भी हम इसको मसालों के साथ पीस लेंगे। तो आपके पास पीली वाली राई हो तो आप पीली वाली राई भी थोड़ी सी इसमें डाल दें, और अगर आप इसको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप नहीं डालें। और ये हमने गोल वाली मिर्चें ले ली हैं कि कलर इसका अच्छा है। आपके पास कश्मीरी मिर्च हो लाल वाली पाउडर तो आप वो डाल दें। तो अब इन सब मसालों को हम पहले पीस लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये सब मसाला जो हमने आपको दिखाया था, ये सब मसाला हमने पीस लिया है, इसमें डाल देंगे हम। और अब डाल देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच नमक, 4 चम्मच भर बिल्कुल पानी निकला हुआ दही इसमें हम डालेंगे। और अब 1 नींबू निचोड़ देंगे। अब चिकन के ऊपर मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसको अच्छी तरह से लगा के, और इसको फिर 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो हम हाथ से मिला लेते हैं, चम्मच से इतनी अच्छी तरह नहीं मिलेगा। ये देखिए अच्छी तरह से मिला लिया है, और ये जो लेग पीस हैं हमने इसमें हल्के हल्के कट लगा लिए हैं। अब चिकन को हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है, और इसको 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया है रखे हुए। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। फ्राई पैन में हमने ऑयल डाल दिया है, उसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर डालने से पहले थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालें, नहीं तो बटर जल जाएगा एकदम। तो ये अब हम डाल दिया हमने, थोड़ा सा पिघल जाएगा, फिर चिकन डालेंगे। देखिए अब चिकन डाल देंगे हम, और अभी मसाले इसके ऊपर नहीं डालेंगे हम, जो मसाला बचा हुआ है सेकने के बाद डालेंगे। बिल्कुल पास पास में आप चिकन को लगा दें अच्छी तरह, क्योंकि थोड़ा सा पकने के बाद में सुखड़ जाता है, बोटियाँ थोड़ी छोटी हो जाती हैं, तो इसमें अच्छे से जगह बन जाती है। और गैस को अभी हम फास्ट रखेंगे 2-3 मिनट के लिए, बाद में हम इसको स्लो करके और धीमी धीमी आँच में पकने देंगे। बस अभी हम और ढकेंगे भी नहीं, इसको ऐसे ही पकने देंगे 2-3 मिनट तक। थोड़ी सी जगह बना के और 1-2 बोटी इसमें रख देते हैं हम। 2-3 मिनट हो गए हैं, और अब हम चिकन को पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है, ऐसे हमें चाहिए था। अब सब चिकन को हम पलट देंगे। गैस को हमने 2-3 मिनट के लिए फास्ट ही रखा था, लेकिन अब हम स्लो कर देंगे, और इसलिए फास्ट रखा था, नहीं तो अगर हम स्लो कर देते तो चिकन अपना पानी छोड़ देता और बहुत इसमें पानी भर जाता, फिर ये जो कलर इसका आया ये कलर नहीं आता। लेकिन अभी हमें चिकन को गलाना भी है, तो आप पलटने के बाद में मसाला डाल के इसके ऊपर, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब जो हमारा मसाला बचा हुआ है उसके ऊपर डाल देंगे, और उसको ढक के हम पकने के लिए रख देंगे 15 मिनट तक। अब जो ये मसाला हमारा बचा हुआ है वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। बस आप ढक कर रख देंगे इसको, फिर 15 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सिक गया है, देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। अलट पलट के हमने बहुत अच्छे से सेक लिया, और अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है। इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा बटर लगा देंगे, और इसमें अब हम देंगे कोयले का धुआं। ये बहुत ही टेस्टी बिल्कुल चिकन तंदूरी बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है ये। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिए। ये देखिए आप देख रहे होंगे इसका कलर कितना अच्छा आया है, और अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से पक गया है, बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। और अभी हम जो धुआं देंगे तो बिल्कुल आपको कोयलों का सिका हुआ जो चिकन होता है, तंदूरी चिकन, वही टेस्ट आएगा। तो आप इसके बाद ज़रूर बना कर देंगे। कोयला देखिए जल गया है हमारा, अब हम कोयले को रख देंगे। हम किसी कटोरी में नहीं रखेंगे, ये साबुत कोयला है, टूटेगा नहीं बिल्कुल भी, तो हम ऐसे ही रख देंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिघला हुआ बटर डाल देंगे। और अब इसको हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, हम फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से चिकन को हमारे कोयले का धुआं लग गया है, अब इसको हम निकाल देंगे। इतनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा जूसी, कितने टेस्टी, अभी हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। तो इस तरह से आप चिकन तंदूरी बना कर देखिए, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त, इतना टेस्टी बनाया ये, इतना जूसी और इतनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है, धुआं जो हमने इसका इसको दिया है,
बिल्कुल तंदूरी चिकन लगेगा आपको ये, जैसे तंदूर पर बनाए कोयलों पर। तो ये मज़ेदार टेस्टी चिकन आप बनाकर जरूर देखिए। मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।